हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग स्टेप नंबर 4 रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर में। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि जब हम लोग डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हमें 6 स्टेप फॉलो करना होता है, जिसमें 3 स्टेप ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें पहला स्टेप है हमारा चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो भी हमारा भाव देता है उस भाव के अकॉर्डिंग हम लोग उसको चेंज करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने सीखा था कि कॉमा को रिप्लेस करके क्या करते हैं। तो जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच आपस में मर्ज करता है, इन्वर्टेड कॉमाज कॉमाज हटाए जाते हैं, तो बीच में एक कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? कंजंक्शन का। तो वो भी निर्भर करता है हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टाइप पर। तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइप से के ऊपर डिपेंडेंट दो चीजें चेंज की जाती हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा कॉमा। तीसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो सेंटेंस किसी भी टाइप का हो उसको अल्टीमेटली हमें असर्टिव में चेंज कर देना होता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले क्लास में यानी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक चीज बताया था कि नरेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि दो लोगों के बीच में बातचीत हुई है और उस बातचीत को हम लोग जाके किसी और के सामने रिपीट कर रहे हैं अपने शब्दों में। तो जो सबसे मेन चेंज होता है, जो एकदम प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, वो होता है प्रनाउन चेंज यानी पर्सन का चेंज, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपकी कही हुई बात या मेरी कही हुई बात कोई और जाके रिपीट कर रहा है तो वो पर्सन में क्या क्या चेंजेस करेगा। पहले इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एक दो चीजें, और तब जाके हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, मान लीजिए दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। मैं बहुत बेसिक देखिए, बातचीत किसके किसके बीच में हो रही है? ए के बीच में और बी के बीच में, ठीक है। सी कहीं खड़ा होकर सुन रहा है, बस इतना समझना है। मैं बारी बारी से आप लोगों को इसको चीज को चेंज करके दिखाऊंगा। ये बात मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ऑलरेडी बता दिया है कि अगर ए और बी के बीच में बातचीत हो रही है तो जो इसमें बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा और जो सुनेगा वो सेकेंड पर्सन होगा, बाकी सारे लोग क्या होंगे? थर्ड पर्सन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब जो व्यक्ति बोलता है अपने लिए फर्स्ट पर्सन के प्रनाउंस यूज करता है और सामने वाले के लिए क्या यूज करता है? सेकेंड पर्सन। तो मैं बोलूंगा तो मैं फर्स्ट पर्सन हूंगा, मैं अपने लिए मैं मुझे मेरा, ठीक, और सामने वाले के लिए तुम तुम्हें आप आपको, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करूंगा। तो अगर ए ने कहा, ध्यान से देखिए, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे, तो देने वाला ए और लेने वाला बी, और ये बात ए जो है वो बी से कह रहा है कि मान लीजिए इसने कहा कि देखो कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे लेकिन तुमने मुझे मेरे पैसे लौटाए नहीं। मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे लेकिन तुमने मुझे मेरे पैसे वापस लौटाए नहीं। अब बी ने कहा, ठीक दोस्त तुम ठीक कह रहे हो, मेरे साथ कुछ दिक्कतें आ गई थी, तुमने मुझे 100 रुपए दिए थे लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाए नहीं। मैं इस बात दोनों स्टेटमेंट को लिखता हूं हिंदी में सिर्फ इसलिए कि आप समझिए कि जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है और सिमिलर स्टेटमेंट कोई और रिपीट करता है तो कहां कहां बदलाव होते हैं। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखना। एक स्टेटमेंट को मैं यहां लिखता हूं, मैं पूरा पूरा डिटेल में, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे लेकिन तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिए। इस स्टेटमेंट को हम लोग इंग्लिश में भी लिखेंगे, पहले हिंदी में समझ ले ताकि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि बातचीत में चीजें जब व्यक्ति बदलता है तो क्या क्या बदलते हैं, ठीक है। तो मैंने यानी ए ने तुम्हें यानी कि बी को 100 रुपए दिए थे लेकिन तुमने यानी बी ने मुझे यानी ए को मेरे पैसे यानी ए के पैसे वापस नहीं दिए। ये कहेगा, हाँ दोस्त तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मेरी थोड़ी दिक्कत हो गई थी, मुझे मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने, तो कह रहा हाँ, मान लीजिए ये हाँ अलग से, ये स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ये स्वीकार कर रहा है, तुमने मुझे 100 रुपए दिए थे लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस नहीं दिए। अब आप जरा गौर करिएगा,
एक एक प्रोनाउन बाई प्रोनाउन हम लोग मिला के चलेंगे। जब ये मैंने था तो जब इसने बोला तो मैंने किस में चेंज हो गया? तुमने, क्योंकि ये जब व्यक्ति फर्स्ट पर्सन था बोल रहा था तो ये अपने लिए मैंने यूज किया, लेकिन अब ये व्यक्ति फर्स्ट पर्सन बन गया क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, तो मैंने को इसने किस में बदल दिया? तुमने। क्यों? क्योंकि अब ये वाला बात ये इससे कह रहा है। मैं आप लोगों से बोलूंगा, फिर आप लोग पलट के वही बात मुझे बोलेंगे, तो जब मैं बोलूंगा तो अपनी कही हुई स्टेटमेंट में अपने लिए क्या यूज करूंगा? फर्स्ट पर्सन, तुम लोग के लिए सेकंड पर्सन। मेरी बात जब तुम रिपीट करोगे तो मैंने जो तुम्हारे लिए सेकंड पर्सन लगाया तुम अपने लिए क्या कर लोगे उसको? फर्स्ट पर्सन में। और मैंने अपने लिए जो फर्स्ट पर्सन लगाए थे वो तुम अब मेरे लिए सेकंड पर्सन में यूज करोगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ? तो ये जो तुम्हें है इसमें किस में बदल गया? मुझे में बदल गया, क्योंकि आदमी बोलने वाला बदल गया। अब यहां देखिए, तुमने तो ये किस में बदल गया? मैंने। मुझे तो बदल गया तुम्हें, मेरे तो बदल गया तुम्हारे। अब आप जरा गौर करिएगा, अभी तक तो ये चेंज जो है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में। अब आप लोगों को एक और चीज ध्यान रखना होगा कि अगर आप पर्सन चेंज करते हैं तो पर्सन का केस नहीं चेंज करना है। और यहां पे सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन होता है किसी को नरेशन चेंज करने में तो सबसे ज्यादा इसी स्टेप में होता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोनाउन चेंज कर रहे होते हैं तो आपको यह पता होता है कि फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में या सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में बदलना है, लेकिन वो सब्जेक्टिव केस की जगह ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस की जगह पॉजिटिव केस में बदल देते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जिसके लिए मैं आपको चार्ट बना के समझाऊंगा। अब जरा गौर करिए, अब ए ने जो बात बी से कही थी, ये चूंकि बी ने पैसे नहीं लौटाए तो किसी कारणवश ए की मुलाकात किससे हो गई? सी से। और अब देखिए, बी ने जो स्टेटमेंट ए के सामने ए ने स्टेटमेंट जो बी के सामने रिपीट किया था, अगर वही सेंटेंस वो सी के सामने बोलेगा तो क्या करेगा? अब जरा गौर करिएगा, बातचीत किसके किसके बीच में हुई थी? तो ओरिजिनल बातचीत का फर्स्ट पर्सन ए था और सेकंड पर्सन बी था। अब ओरिजिनल बातचीत का फर्स्ट पर्सन तो वही रह गया, लेकिन सेकंड पर्सन अब वहां पे मौजूद नहीं है। अब वो क्या बन गया? अब जब इससे बातचीत होगी तो ये क्या बन जाएगा? थर्ड पर्सन। तो जितना भी इसके लिए इसने लाइन यूज किया था, वर्ड यूज किया था, अब वो सब वर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। क्यों नहीं? सी के लिए नहीं होगा, सी से तो ये बता रहा है। मान लीजिए मेरी किसी से लड़ाई हो गई और उसके साथ जो मेरी कहा सुनी हुई मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सिर्फ सुन रहे हैं इसलिए सेकंड पर्सन है, लेकिन बातचीत तो मेरी उससे हुई थी, तो वो सेकंड पर्सन उस समय था, लेकिन अभी वर्तमान में वो बातचीत में मौजूद नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा? थर्ड पर्सन। यानी जो कुछ भी मैंने सेकंड पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज किया था, अब वो सारे प्रोनाउन जो होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे? थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट तो वही है, फर्स्ट तो बदला नहीं। अब जरा गौर करिएगा, मैंने तुम्हें, तुम्हें बदल जाएगा उसे में। मैंने उसे 100 रुपए दिए थे, किसे? बी को। यही बोलेगा ना, मैंने उसे 100 रुपए दिए थे, लेकिन उसने, ये तुमने किस में बदल जाएगा? उसने में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? उसने में। क्यों? क्योंकि अभी तो हम सी को बता रहे हैं और ये व्यक्ति कौन है भाई? बी है। अच्छा, लेकिन उसने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिए, तो तुम्हें बदल गया उसे में और तुमने बदल गया किस में? उसने में। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति बोलने वाला वही है, लेकिन सुनने वाला जो व्यक्ति था वो वहां पे मौजूद नहीं है। अब सुनने वाला व्यक्ति कोई और है, लेकिन बोला जिसके लिए गया था वो अब यहां पे मौजूद नहीं है। अब बताइए, अब जरा गौर करिएगा, ये भाई साहब, इसने बी को बता दिया, अब बी गया किसके पास? सॉरी, सी गया किसके पास? बी के पास, ये बात कहने की ए मुझसे ऐसा ऐसा कह रहा था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब बी बोलेगा, सॉरी सी बोलेगा और बी सुनेगा। उस समय जो फर्स्ट पर्सन था तो वो फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन ही रहा, सिर्फ सेकंड पर्सन वहां पे मौजूद नहीं था, थर्ड पर्सन मौजूद था जो कि अब सेकंड पर्सन बन गया था। अब ये इससे ये बात सुन लिया, अब ये जाके इसको कहेगा, उसने क्या कहेगा? अब जहां मैंने बोला, उसने ये बोलेगा कि उसने यानी ए ने तुम्हें 100 रुपए दिए थे, लेकिन तुमने उसके पैसे वापस नहीं दिए। यानी जब हमारा सेकंड पर्सन गायब हुआ तो हमने उसका सब थर्ड पर्सन में बदल दिया। अब फर्स्ट पर्सन गायब है तो फर्स्ट पर्सन किस में बदल दिए? थर्ड पर्सन में। बिल्कुल। और ये अब फिर वही वाली बात, ये से कह रहा, हाँ उसने मुझे 100 रुपए दिए थे लेकिन मुझे दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैंने उसे उसके 100 रुपए वापस नहीं दिए। तो जैसे ही व्यक्ति व्यक्ति बदल, अब जरा गौर करिएगा, इस ट्रायंगल में एक आदमी ओरिजिनल वाला रह ही रहा है, या इन दोनों के बीच में बातचीत हुई तो दोनों ओरिजिनल वाले रह गए, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई तो वक्ता ओरिजिनल वाला रह गया, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई तो श्रोता ओरिजिनल वाला रह गया। अब हम लोग क्या करते हैं? अब इन दोनों का कनेक्शन हटाते हैं, अब सी जाकर डी को ओरहन दे रहा है। डी हो सकता है बी के पिताजी हैं, ठीक। तो डी, सी ने डी से जाके क्या बोला कि ए ने मुझसे कहा,
ए ने मुझसे कहा, ए सेड टू मी, यानी सीस कि बी ने यानी उसने उसके 100 रुपए लिए थे, लेकिन उसने यानी बी ने उसके 100 रुपए वापस नहीं दिए। अब जरा गौर कीजिए, इन दोनों के बातचीत में तो ये ना फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों गायब हैं, दोनों इस बातचीत के लिए दोनों क्या हो गए, थर्ड पर्सन। तो इनके सारे स्टेटमेंट को किस में बदल दिया जाएगा, थर्ड पर्सन में। ये जो चक्र चल रहा है, ये चक्र उस बात पर निर्भर करता है कि किसने बोला था, किससे बोला था और अब कौन बता रहा है। मान लीजिए मैंने ही बोला, आपसे ही बोला और आप रिपीट करेंगे, तब तो केवल फर्स्ट वाला सेकंड, सेकंड वाला फर्स्ट बन जाएगा। लेकिन आपसे मैंने बोलने के बाद किसी और को जब बताया तो फर्स्ट तो फर्स्ट ही रह गया, लेकिन सेकंड वाला सारा थर्ड हो गया। और मैंने नहीं बताया, आपने जाके किसी और से बताया तो सेकंड ही रह गया, सेकंड फर्स्ट वाला थर्ड में बदल गया। और यहां ना आपने जाके किसी को बताया, ना मैंने जाके किसी को बताया, कोई बाहर खड़े होकर हमारी बात सुन रहा था, तो उसके लिए तो हम दोनों थर्ड पर्सन है ना। तो जब जाके बताएगा तो फर्स्ट वाला भी थर्ड में और सेकंड वाला भी थर्ड में चेंज हो जाता है। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है किस चीज का, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन का, कि जिसके जिसके बीच में बातचीत हुई है उसमें से कौन बता रहा है। उनमें से एक बता रहा है तो उसका वाला पर्सन एज इट इज रह जाएगा, सामने वाले का चेंज हो जाएगा। ही सेड टू मी, तो इसका मतलब उसने मुझसे कहा था, फर्स्ट पर्सन वो था, सेकंड पर्सन मैं था, अब मैं आपको बता रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, सेकंड से बदल के मैं फर्स्ट हो गया, लेकिन जो फर्स्ट था वो अब गायब होकर थर्ड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई हुई होगी कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हम लोग इसके बेसिक थोड़े चार्ट के ऊपर, क्योंकि जब तक चार्ट समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा कंफ्यूजन बना ही रहेगा। देखिए एक्चुअली में पर्सन में दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है केस में। किसमें दिक्कत आती है, केस में, ठीक है। और ये थोड़ा सा बड़ा अजीब टाइप का टॉपिक है कि हम लोगों को कंफ्यूजन हमेशा बना ही रहता है, तो कंफ्यूजन दूर करने का एक आसान तरीका बताऊंगा मैं लास्ट में। देखिए सबसे पहली बात, फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए पहले मैं चार्ट तैयार कर लेता हूं, आप लोग सब लोग नोट करते रहिए साथ साथ में। इसके बाद नंबर आता है केस का। देखिए एक होता है सब्जेक्टिव केस, जिसको हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। तो हम लोग सब्जेक्टिव ही लिखेंगे क्योंकि आसान होगा समझने में। उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद नंबर आता है पॉजिटिव केस, और इसके बाद नंबर आता है रिफ्लेक्सिव केस। हाँ बिल्कुल, एक चीज ध्यान रखिएगा, सब में सिंगुलर प्लुरल सब में होंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है जी, आई, और प्लुरल में क्या होता है, वी। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया। एस पी एस और पी, सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल सब सेम होता है, यू। थर्ड पर्सन का क्या होता है, ही शी इट, और प्लूरल होता है दे। चलिए आप लोग थोड़ी धीमी आवाज में ही बोलिए। चलिए आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। यू का यू ही रहता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी लोग इसी में होता है सब लोगों को। ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम। अब पॉजिटिव में आइए, पॉजिटिव में भी भाई दो दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक। चलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन समझते हैं। माई है एडजेक्टिव और माइन है प्रोनाउन, मतलब ये हमेशा नाउन के साथ आएगा और ये हमेशा अकेले आएगा। इसका है आवर, इसका है आवर्स, जिसमें एस लगा है समझ लीजिए वो प्रोनाउन है। ये है आपका योर और ये है योर्स, ये भी है आपका योर और ये है आपका योर्स। यहां तक तो आपको ना किसी में डिफरेंस नहीं मिलेगा, सब्जेक्टिव केस हो ऑब्जेक्टिव केस हो, मतलब फर्स्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सब ऑलमोस्ट। देखिए हिम का होता है हिज, ये भी और ये भी, अकेले आए तो प्रोनाउन और नाउन के साथ आए तो एडजेक्टिव। हर का होता है हर और हर्स। देखिए इट्स जो है ना, इट का वो ज्यादातर एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, एडजेक्टिव की तरह, लेकिन फिर भी मैं दोनों में लिख दे रहा हूं, कई बार आता है, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। देयर और देयर्स, ठीक। और रिफ्लेक्सिव में आ जाइए, जिसमें सेल्फ लगा हो सिंगुलर और जिसमें सेल्फ्स लगा हो वो प्लुरल होता है। ये होगा माई सेल्फ, क्या होगा, माई सेल्फ। ये होगा आवर सेल्फ्स, ये सिंगुलर वाला योर सेल्फ, यहीं पे आपको डिफरेंस मिलेगा, और ये हो जाएगा आपको योर सेल्फ। ये हो गया तुम्हारा हिम सेल्फ, यस हर सेल्फ, इट्स सेल्फ और देम सेल्फ।
इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, तब जाके मैं कुछ बातें सिखाऊंगा, देन आप लोग इसको बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। तो इसको जल्दी से फास्ट वे में नोट कर लीजिए। चलिए रेडी, देखिए आप लोगों ने, सब लोगों ने लिख लिया चार्ट। इस चार्ट को अच्छे से पहले समझिए, एक चीज दिमाग में बैठाइए, ये जितने केस हैं अलग अलग, इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी है जो अलग अलग काम के लिए अलग अलग ड्रेसेस पहनता है, समझ में आई बात? या यूं समझिए कि किसी विद्यालय में 5 दिन या 6 दिन अलग अलग ड्रेस पहन के आने हैं, या 6 दिन में एक दिन ही सैटरडे को फ्री है, आप कुछ भी पहन के आइए, और बाकी 5 दिन आपको अलग अलग ड्रेस पहन के आने हैं। ठीक, अब जरा गौर करिए कि अगर फर्स्ट डे इस टाइप का ड्रेस पहनना हो, सेकंड डे ये वाला, थर्ड डे, फोर्थ डे और फाइव डे, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आदमी बदल जाएगा कि सिर्फ ड्रेस बदलेगा? ड्रेस बदलेगा ना। उसी तरीके से अगर एक व्यक्ति रात में सोता है तो स्लीपिंग ड्रेस या कैजुअल ड्रेस में सोता है, जब सुबह उठ के वो अपने स्कूल पढ़ने जाता है तो स्कूल ड्रेस में जाता है, वापस आता है तो घर के नॉर्मल ड्रेस में वो हो जाता है, फिर शाम को खेलने जाता है तो खेलने वाले जूते मोजे वगैरह पहनते हैं, अगर कभी उसे पार्टी वार्टी में जाना हो तो क्या करता है, पार्टी वियर पहन के जाता है। लेकिन क्या आदमी बदल जाता है? नहीं। उसी तरीके से देखिए, ये सब ऊपर वाला फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर का, ये फर्स्ट पर्सन प्लुरल का, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लुरल का, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लुरल का, लेकिन काम बदल गया है ना। जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसको आई लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो मी लिखेंगे। ठीक है, आई टीच हिम, तो मैं सब्जेक्ट हूं इसलिए मैंने आई लिखा है, और मैं उसको पढ़ाता हूं, वो ऑब्जेक्ट है इसलिए क्या लिखा हूं, हिम। ही हेल्प्स मी, तो यहां पे वो सब्जेक्ट है तो ही लिखा गया, और मैं ऑब्जेक्ट बन गया तो मी हो गया, समझ में आई बात? तो जब भी आप किस पर्पस के लिए प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट बनाने के लिए तो सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, अगर आप पोजीशन बताने के लिए कर रहे हैं तो पॉजिटिव केस में लिखेंगे, अगर आपके साथ नाउन है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखेंगे, और नाउन नहीं है, अकेले है, नाउन या तो अंडरस्टूड है या नाउन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो गया, तो उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन में लिखेंगे। और अगर आप स्वयं ही सब्जेक्ट भी हैं और स्वयं ही ऑब्जेक्ट भी हैं, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खुद का परिचय दिया, आई हिड माई सेल्फ बिहाइंड द डोर, मैंने खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लिया, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने पार्टी में खुद एंजॉय किया। अब एक चीज जरा गौर करिए, जब सब्जेक्ट भी मैं हूं और ऑब्जेक्ट भी मैं हूं, तो सब्जेक्ट जब रहूंगा तो सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट जब रहूंगा तो रिफ्लेक्सिव केस, जब मैं ही ऑब्जेक्ट रहूंगा। तो आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो देखते भी आप हैं और दिखते भी आप ही हैं, तो वो आपका रिफ्लेक्शन दिखता है ना, इसीलिए जब स्वयं सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वहां ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते, आई टीच मी नहीं, आई टीच माई सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस्ड मी नहीं, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। तो जब सब्जेक्ट एक हो और ऑब्जेक्ट भी वही हो, सेम पर्सन, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव केस लगाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन हो, आई टीच हिम, तो मैं अलग आदमी हूं और वो अलग आदमी है, तो यहां पे उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो अब एक चीज जरा गौर करिए, जब भी आप चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, क्या करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, तो आपको ये पहले जानना जरूरी है कि जो सेंटेंस हम चेंज करने जा रहे हैं उसमें जितने प्रोनाउन है वो किस केस में है, समझ में आ गई बात? तो ये आपका रहा प्रोनाउन केस चार्ट। अब बदलने के नियम पे चलते हैं, समझ में आई बात? बदलने का क्या नियम है, देखिए एक सवाल लिखता हूं मैं, उस सवाल को पहले ध्यान से एनालाइज कीजिए आप लोग, कोई भी रूल या कोई भी ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी, पहले यहीं पर रुकते हैं, पहले इसको समझते हैं, उसने मुझसे कहा, इसका मतलब कि बातचीत उसके और मेरे बीच में हुई है, और उसने मुझसे कहा है, यानी बोलने वाला वो था और सुनने वाला मैं था, इसको एनालाइज कीजिए। ही सेड टू मी का मतलब क्या हुआ, उसने मुझसे कहा, इसका मतलब यह है कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया होता है वो एक्चुअल का फर्स्ट पर्सन होता है, और जो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा गया होता है वो एक्चुअल का क्या होता है, सेकंड पर्सन एक्चुअल का। ही सेड टू मी का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए मैंने लिखा राम सेड टू मोहन, चाहे लक्ष्मण, राम सेड टू लक्ष्मण। अब एक बात बताइए, ये हो सकता है कि आपको रामायण में वाल्मीकि जी सुना रहे हो, चाहे तुलसीदास जी सुना रहे हो, जौने सुना रहे हो, लेकिन बातचीत किसके किसके बीच में हुई, राम और लक्ष्मण के बीच में, सुना आपको कोई और रहा है, तो ये एक्चुअल के फर्स्ट पर्सन और ये एक्चुअल के सेकंड पर्सन, यानी वास्तविक बात के फर्स्ट पर्सन राम और सेकंड पर्सन
लक्ष्मण। उसी तरीके से वास्तविक बातचीत का फर्स्ट पर्सन ही और सेकंड पर्सन मैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अभी। लेकिन अब एक चीज गौर करिए, अगर उसने मुझसे कहा, क्या कहा ध्यान से देखिएगा, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। उसने मुझसे क्या कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब जरा गौर करिएगा, तो बोलने वाला कौन है वो और सुनने वाला कौन, तो उसने जब बोला होगा तो ये फर्स्ट पर्सन उसने किसके लिए लगाया होगा, अपने लिए, और सेकंड पर्सन किसके लिए लगाया गया होगा, मेरे लिए। यानी ये यू और ये मैं एक ही आदमी ना हुए, क्योंकि बोलने वाला तो ये था। इसने जब बोला तो इसने कहा कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो तुम कौन, माने मैं जो मैं बता रहा हूं, और मैं कौन, ये, बोलिए क्या ये और ये एक ही आदमी नहीं है, है ना। अब जब रूल पढ़ाया जाता है आप लोगों को, तो कहा जाता है, एक ट्रिक याद रखना बचवा, SON 1 2 3, हम इसको याद रखेंगे, जरूर रखेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी तो इसके पीछे का समझेंगे ना। आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये SON 1 2 3 आया कहां से, तो आप उसको बताइएगा, एकदम इलेबोरेट कीजिएगा कि सर ये जो फर्स्ट पर्सन है ना और ये सब्जेक्ट, ये दो अलग अलग लोग है ही नहीं, ये एक ही आदमी है। एग्जाम्पल दीजिए, ही सेड टू मी, यानी ये वाला जो व्यक्ति है सब्जेक्ट, और ये जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ भी मैंने यूज किया, तो एक ही आदमी है ना, उसी ने अपने लिए मैं ये क्या होगा, और ये सेकंड पर्सन और ये ऑब्जेक्ट एक ही आदमी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो देखिए सेकंड पर्सन जो यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, मेरे लिए। समझ में आई बात, जब मैं कहूंगा कि तुम मेरे छात्र हो, तो बोलने वाला मैं, सुनने वाले तुम, तो जब तुम जाके ये बात किसी से कहोगे तो तुम मेरे छात्र हो, तो तुम शब्द मैंने किसके लिए प्रयोग किया, तुम्हारे लिए, और मेरे शब्द किसके लिए मैंने प्रयोग किया, मेरे लिए, अपने लिए। अब तुम जाके कहोगे द सर सेड टू मी या माई टीचर सेड टू मी, यानी मेरे टीचर ने मुझे कहा दैट आई एम हिज स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो मैंने अपने लिए मेरे शब्द का इस्तेमाल किया था, तुम्हारे लिए तुम शब्द का इस्तेमाल किया था, और ये बात जब तुम दूसरे को जाके बताओगे तो ये तुम, और जब तुम बोलोगे वो एक ही आदमी होगा, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसको चेंज करते हैं तो करते क्या है, नंबर एक बात, आप इसको इसके पर्सन में चेंज कर देते हैं, समझ में ये बात। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, SON 1 2 3 हो गया। तो अब जरा गौर करिएगा, ये और ये एक ही आदमी, ये और ये एक ही आदमी, जब बदलना हो तो क्या करेंगे, एक बात बताइए, कौन सा पर्सन है थर्ड, और ये कौन सा पर्सन है फर्स्ट। चुपचाप उसके उसके नीचे ये बात लिख दीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए थर्ड, क्यों, क्योंकि ये और ये एक ही आदमी है, और इसके नीचे क्या लिख दीजिए फर्स्ट। अब ध्यान से समझना इसको, हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि SON 1 2 3 का मतलब क्या, सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के पर्सन में चेंज हो जाएगा, और सेकंड पर्सन किसके पर्सन में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के पर्सन में, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, क्या होता है, क्योंकि वो बातचीत में कभी होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है, जो बोले वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बोले वो सेकंड, जिसके बारे में बोले, तो जिसके बारे में बोले वो तो बातचीत में कभी शामिल ही नहीं होता है, इसलिए थर्ड पर्सन के लिए कोई चेंज नहीं होता। अब जरा गौर करिए, फर्स्ट पर्सन को किसके पर्सन में बदल देना है, सब्जेक्ट के पर्सन में, तो मैंने फर्स्ट पर्सन के नीचे सब्जेक्ट का पर्सन लिख दिया कि कौन सा पर्सन है जो हमारा सब्जेक्ट, थर्ड। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन है फर्स्ट, तो मैंने इसके नीचे क्या लिख दिया फर्स्ट। अब जरा गौर कीजिए, ये भाई साहब जिस केस में होंगे आपको उसी केस का फर्स्ट पर्सन लिखना है, तो ये सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्टिव केस का फर्स्ट पर्सन, या फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस, जो समझिए, सब्जेक्टिव केस का फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस, हमने लिख दिया। अब ये बताइए कौन सा केस है, पॉजेसिव है ना, और मुझे थर्ड पर्सन का पॉजेसिव चाहिए, तो थर्ड पर्सन में आपको जेंडर ध्यान रखना होता है, लड़का है कि लड़की, तो यही है ना, तो यहां पे हिज लिख देंगे। समझ में आई बात, जब बाद में रिप्लेस करना होगा तो रिप्लेस कर देंगे, तो जिसको आदत है वो डायरेक्ट कर लेगा, ये सब्जेक्ट था। एक आध एग्जांपल और करते हैं तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस यही इसका असली खेल है। एक एग्जांपल और करिए, ही सेड टू मी, ध्यान से देखते हैं, ही सेड टू मी आई हैव माई पेन, आई हैव माई पेन एंड यू हैव योर्स, यू हैव योर्स, यू हैव योर्स। अब आ जाइए, देखिए ध्यान से, हाँ अच्छा अच्छा चलिए, यू हैव योर्स। अब इसको समझिए,
जितने भी फर्स्ट पर्सन है वो किसने यूज किए थे, सब्जेक्ट ने अपने लिए, और जितने भी सेकंड पर्सन है वो किसने यूज किए थे, सब्जेक्ट ने मेरे लिए, ठीक। हाँ, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, यही है ना। तो सारे फर्स्ट पर्सन के नीचे थर्ड पर्सन और सारे सेकंड पर्सन के नीचे फर्स्ट पर्सन लिख दीजिए पहले। ये मैं बस आप लोगों को तरीका समझा रहा हूं आसान। तो इसके नीचे भी लिख दीजिए थर्ड, इसके नीचे भी क्या लिख दीजिए थर्ड, इसके नीचे लिख दीजिए फर्स्ट, और इसके भी नीचे क्या लिख दीजिए फर्स्ट। अब चलिए, ये सब्जेक्टिव केस है ना, तो थर्ड पर्सन का मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। ये कौन सा केस है, पॉजिटिव केस, तो मुझे भी थर्ड पर्सन का क्या चाहिए, पॉजिटिव केस, तो क्या लिखेंगे, हिज। ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, वर्ब के पहले लगा हुआ, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव है, तो मुझे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्या होगा, आई। और ये योर्स है, क्या है ये, पॉजिटिव प्रोनाउन है ना, तो मुझे फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए, माइन। इसके लिए आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा, चार्ट याद रखेगा कुछ नहीं होगा, ठीक। अब अगर यहां ही की जगह शी हो जाता तो क्या करते, तो जहां ही लिखते हैं वहां शी, और जहां ही लिखे तो वहां हर। अब उल्टा करते हैं, ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे जी, उल्टा करेंगे। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, यानी उस समय भी मैंने ही कहा था और अभी भी मैं ही कह रहा हूं, जो मेरा सेकंड पर्सन था वो अब गायब होकर क्या बन गया, थर्ड पर्सन, ठीक। अब जरा बदलते हैं इसको फिर से, जरा गौर करिएगा, मैंने उससे कहा, तो बोलने वाला मैं था, इसलिए इसमें का सारा फर्स्ट पर्सन क्या होगा, मैं ही होऊंगा। तो अब जरा गौर करिएगा, आपका सब्जेक्ट भी क्या है, फर्स्ट पर्सन ही है, तो सारे फर्स्ट पर्सन को क्या करेंगे, जस का तस छोड़ देंगे, क्योंकि ये और ये जब सिमिलर हो गए तो फिर क्या, मान लीजिए मेरे पास भी 100 का नोट है, आपके पास भी 100 का नोट है, तो हम आपका लेंगे चाहे देंगे, बतिया तो बराबर ना है, क्या करेंगे। चलिए अब देखो, अब ये बताइए, तो हो गया कौन सा पर्सन, हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो जितने भी सेकंड पर्सन है अब उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, हमको थर्ड पर्सन में। तब इसके नीचे लिखिए थर्ड, थ्री लिखिए, इसके भी नीचे क्या लिखिए थर्ड, और अब चेंज कर दीजिए, यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ही। और ये क्या है, पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, हिज, ठीक। अगर आदमी बदलेगा तो उसके अनुसार, तो अब यहां पे हम लोग कंक्लूजन पे जो पहुंचे, वो कंक्लूजन क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन एक ही आदमी होता है, और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन एक ही आदमी होता है। क्यों, क्योंकि बातचीत इन दोनों के बीच में होती है, इसी बातचीत को यहां लिखा गया होता है। तो सब्जेक्ट ने जितनी बार फर्स्ट पर्सन लगाया होगा अपने लिए, और इसने जितनी बार सेकंड पर्सन लगाया होगा वो किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। अब जरा गौर करिएगा, तो सारे फर्स्ट पर्सन को हमको किस में चेंज कर देना है, सब्जेक्ट के पर्सन में, सारे सेकंड पर्सन को किस में चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट के पर्सन में, और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, केस नहीं बदलना है, सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव एडजेक्टिव में, पॉजिटिव प्रोनाउन को पॉजिटिव प्रोनाउन में, और रिफ्लेक्सिव केस को रिफ्लेक्सिव केस में। अब आपके लिए मैं एक सवाल लिखता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए, फिर मैं उसको My father said to my mother, I do my work myself and you do your work yourself. आपको अब ध्यान रखना है पर्सन के साथ साथ केस का भी, ठीक है। तो पहले आप लोगों को किसको किस में चेंज करना है, ध्यान रहे ये भी क्या है, थर्ड पर्सन ही है, और ये भी क्या है, थर्ड पर्सन ही, बस ये है, ये इक्विवेलेंट टू ही होगा क्योंकि आदमी है, और ये औरत है तो इक्विवेलेंट टू क्या होगा, शी यानी हर, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए क्विक, चलिए इसको बनाते हैं। चलिए एक चीज ध्यान रखिए, ये मेरे पिताजी और ये मेरी माताजी, दोनों थर्ड पर्सन हुए,
इसका मतलब ये कि मैं जो उनका सपुत्र हूं, ये आप लोगों से बता रहा हूं कि मेरे पिताजी ने मेरे माताजी से क्या कहा। ठीक, अब जरा बताइए ये आई, ये माई और ये माई सेल्फ, ये किसने किस अब किसके लिए यूज किया गया? मेरे पिताजी ने अपने लिए यूज किया होगा। ठीक, तो अब जरा गौर कीजिए इन सबके नीचे हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये थर्ड पर्सन है तो यहां सबके नीचे क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे ना। और दुर्भाग्य से अगर देखा जाए, तो ये मेरी माता जी है, ये भी थर्ड पर्सन है, बस जेंडर का फर्क है। तो यहां पे भी लिखेंगे थर्ड, लेकिन याद कीजिए कि ये क्या है, थर्ड के एम, एम का मतलब मैस्कुलिन और ये क्या है, फेमिनिन। अब आ जाइए ए बच्चा पटे, याद ध्यान दीजिए, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, हमें इसको किस में चेंज करना है, थर्ड में। तो आई का थर्ड क्या हो जाएगा जी, ही। माई का थर्ड क्या हो जाएगा, हिज। माई सेल्फ का थर्ड क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। चलिए अब आ जाइए, ये सब्जेक्ट है ना, तो ये जाएंगे शी, ये क्या हो जाएगा, हर, और यहाँ क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। अब आप लोगों को एक काम करना होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं तो सेंटेंस ये जो हमारा है रिपोर्टेड स्पीच में, इसको एज इट इज वही लिखिए, केवल इसकी जगह अलग अलग पर्सन लिख के और बनाने की कोशिश कीजिए। कभी यहाँ फर्स्ट पर्सन रखिए, यहाँ सेकंड पर्सन रखिए, कभी यहाँ थर्ड पर्सन रखिए, यहाँ सेकंड पर्सन रखिए, या पर्सन चेंज कर लीजिए, तीनों पर्सन को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लिख के इंटरचेंज करके देखिए कि क्या चेंजिंग आता है। अगर आप लोग कर पा रहे हैं शुद्धता के साथ, तो इसका मतलब आपने चेंज ऑफ पर्सन सीख लिया। अब इसके बाद हमारे पास है दो स्टेप, चेंज इन टेंस, या यूं कहिए चेंज इन वर्ब। मैं टेंस की तो मैं वॉइस और नरेशन पढ़ाता हूं, तो टेंस की बात भी नहीं करता हूं। तो चेंज इन वर्ब और इसके बाद चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ मिसलेनियस सवाल बनाएंगे और तब जाके हम लोग कुछ स्पेशल टाइप पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को स्टेप 5 या 6 तक आप लोगों को ऑनलाइन सुविधा के साथ पढ़ा दूं, इसके बाद वाली चीज़ें हम लोग ऑफलाइन क्लास में करेंगे। ठीक है, और बाकी जिसको अच्छा लगेगा वो हमसे फिर पढ़ने के लिए संपर्क करेगा। धन्यवाद।